आज के समय में सबके पास कहने को कुछ ना कुछ है। ब्लॉगिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है अपनी थॉट्स, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, आप हिंदी में ब्लॉग कर सकते हैं। इसका मतलब है आप दुनिया भर के लाखों हिंदी भाषियों से जुड़ सकते हैं। हिंदी में लिखने से आप खुद को ज्यादा ऑथेंटिकली एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप रोजाना इस्तेमाल होने वाली भाषा का यूज कर सकते हैं और अपने ऑडियंस से एक पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये एक कम्युनिटी बनाने के बारे में है। जब आप हिंदी में ब्लॉग करते हैं तो आप एक ऐसे वाइब्रेंट कम्युनिटी से जुड़ते हैं जो अपनी भाषा में कॉन्टेंट पढ़ने के लिए उत्सुक रहता है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करें और डिजिटल दुनिया में अपनी आवाज को सुनाएं। अपने ब्लॉग की सक्सेस के लिए सही निश चुनना बहुत जरूरी है। एक निश को अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज या अपने पैशन की तरह समझें। आपको किस बारे में बात करना पसंद है? आपको किस बारे में बहुत कुछ पता है? हो सकता है कि आप एक फूडी हो जिसे नई रेसिपीज ट्राई करना बहुत पसंद हो, या शायद आप एक फैशन एंथुजियास्ट हैं जिन्हें स्टाइलिंग टिप्स शेयर करना अच्छा लगता है। निश सिलेक्ट करते समय अपनी इंटरेस्ट्स और अपने नॉलेज को ध्यान में रखें। ऐसी किसी चीज के बारे में कंसिस्टेंटली और पैशनेटली लिखना आसान होता है जिसमें आपको सचमुच आनंद आता हो। साथ ही आपका एंथुजियाज्म आपके राइटिंग में दिखाई देगा, जिससे आपका ब्लॉग आपके रीडर्स के लिए और एंगेजिंग हो जाएगा। ये टारगेटेड अप्रोच आपको एक ऐसे फोकस्ड ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में मदद करता है जो आपके स्पेसिफिक कंटेंट में इंटरेस्टेड हो। अब जब आपके पास एक नीच है तो अपना ब्लॉग बनाने का समय आ गया है। पहला कदम है एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चुनना। दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, वर्डप्रेस और ब्लॉगर। वर्डप्रेस अपने फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के लिए जाना जाता है, जबकि ब्लॉगर एक सिंपलर प्लेटफॉर्म है जिसे सेटअप करना और यूज करना आसान है। प्लेटफॉर्म चुनते समय अपने टेक्निकल स्किल्स और अपने ब्लॉग के पर्पस पर विचार करें। अगर आप बेसिक कोडिंग में कंफर्टेबल हैं और अपने ब्लॉग के डिजाइन पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो वर्डप्रेस एक बेहतरीन चॉइस है। अगर आप एक मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच पसंद करते हैं और जल्दी से ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो ब्लॉगर आपके लिए बेहतर हो सकता है। एक क्लीन और मॉडर्न थीम चुनें जो आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करे और आपके रीडर्स को एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रदान करे। एंगेजिंग कंटेंट तैयार करना, उन्हें और के लिए वापस आते रहें। ब्लॉगिंग की दुनिया में कंटेंट का राजा होता है। कंटेंट बनाते समय इस बात पर ध्यान दें कि आपके ऑडियंस को वैल्यू मिले। अपने नॉलेज, इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस को ऐसे तरीके से शेयर करें जो इन्फॉर्मेटिव हो, एंटरटेनिंग हो या दोनों हो। एक कॉन्वर्सेशनल टोन में लिखें, जैसे कि आप किसी फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हों। अपने टेक्स्ट को हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स के साथ ब्रेक करें ताकि उसे पढ़ना और स्कैन करना आसान हो जाए। अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, जैसे कि लिस्टिकल्स, हाउ टू गाइड्स, पर्सनल स्टोरीज और ओपिनियन पीसेस। ब्लॉगिंग में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंटेंट का यह कंसिस्टेंट फ्लो आपके ऑडियंस को इंगेज्ड रखता है और उन्हें रेगुलरली आपके ब्लॉग पर विजिट करने के लिए इनकरेज करता है। SEO स्ट्रेटजीज, भीड़ में अपनी पहचान बनाना। कल्पना करें कि आपने एक शानदार ब्लॉग पोस्ट लिखा है लेकिन उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। यहीं पर SEO काम आता है। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और यह आपके ब्लॉग को सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में ज्यादा विजिबल बनाने का तरीका है। गूगल जैसे सर्च इंजन्स को जायंट लाइब्रेरीज की तरह समझें। जब कोई किसी टॉपिक को सर्च करता है तो सर्च इंजन सबसे रेलेवेंट और अथॉरिटेटिव कॉन्टेंट के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है। SEO आपके ब्लॉग को इन सर्च रिजल्ट्स में हायर रैंक करने में मदद करता है। SEO का एक एसेंशियल पहलू है आपके ब्लॉग पोस्ट में रेलेवेंट कीवर्ड्स का यूज करना। कीवर्ड्स वे टर्म्स होते हैं जिन्हें लोग इन्फॉर्मेशन की तलाश में सर्च इंजन्स में टाइप करते हैं। एक और क्रूशियल SEO स्ट्रेटजी है आपके ब्लॉग के लिए बैकलिंक्स बनाना। बैकलिंक्स दूसरे वेबसाइट से आपके कॉन्टेंट के लिंक्स होते हैं जो सर्च इंजन्स को सिग्नल देते हैं कि आपका कॉन्टेंट वैल्यूबल और ट्रस्टवर्दी है। SEO बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करके आप अपने ब्लॉग की विजिबिलिटी में सुधार कर सकते हैं और एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अपनी बात फैलाना, अपने ब्लॉग को प्रमोट करना, शानदार कंटेंट बनाना आधी लड़ाई है।
एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने के लिए आपको अपने कंटेंट को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना होगा। सोशल मीडिया आपके ब्लॉग को प्रमोट करने का एक बेहतरीन टूल है। अपने ब्लॉग पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर शेयर करें। अपने फॉलोअर्स के साथ इंगेज करें, कमेंट्स का रिप्लाई दें और रेलेवेंट कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करें ताकि आपके ब्लॉग की विजिबिलिटी बढ़े। एक और इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रेटजी है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग में आपके नीच की किसी दूसरी वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखना और पब्लिश करना शामिल है। अपने ऑडियंस को इंगेज करने और नए रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्टेस्ट्स या गिवअवेज चलाने पर विचार करें। ब्लॉग प्रमोशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप अपने ब्लॉग को प्रमोट करेंगे वह उतना ही ज्यादा विजिबल होगा और उतने ही ज्यादा रीडर्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। पैशन को प्रॉफिट में बदलना, अपने ब्लॉग से कमाई करना। एक बार जब आप एक ठोस रीडरशिप बना लेते हैं तो आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करने पर विचार कर सकते हैं। ब्लॉग को मोनेटाइज करने के कई तरीके हैं और आपके लिए सबसे अच्छे तरीके आपके निश, आपके ऑडियंस और आपके गोल्स पर डिपेंड करेंगे। एक पॉपुलर मोनेटाइजेशन मेथड है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। इसमें आपके ब्लॉग पर एड्स प्लेस करना और हर बार जब कोई किसी एड पर क्लिक करता है या उसे एक निश्चित संख्या में देखता है तो रेवेन्यू अर्न करना शामिल है। एक और मोनेटाइजेशन ऑप्शन है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में आपके ब्लॉग पर दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करना और आपके द्वारा जेनरेट की गई हर सेल या लीड के लिए कमीशन अर्न करना शामिल है। अगर आपके पास एक लॉयल फॉलोइंग है तो आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जैसे कि ई-बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या कंसल्टिंग सर्विसेज बेचने पर विचार कर सकते हैं। सही मोनेटाइजेशन मेथड्स चुनकर और काम करके आप अपने ब्लॉग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं।